नमस्कार, हरे कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानम महोत्सव इस वर्ष वर्चुअल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पूरा देश और दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है। इसलिए हमने इस ज्ञानम महोत्सव की इस वर्ष जो शुरुआत है वो वर्चुअल से की है। आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आप सभी का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो विषय है वो हमने काफी लोगों ने हमारे पास डिमांड भेजी थी कि आप इस विषय पर जरूर आज का आयोजन रखें। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना आखिर क्यों? क्यों हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं? किस लिए हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? इससे देश के नागरिकों को क्या क्या फायदे मिलेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो है, मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा रमेश शिंदे जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू जन जागृति समिति के। जी नमस्कार। हमारे साथ में मौजूद हैं चेतन राजहंसी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सनातन संस्थान के। और हमारे साथ आनंद जाखोडिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के समन्वयक हैं हिंदू जन जागृति समिति के। तो आप तीनों का ज्ञान महोत्सव में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जी। सबसे पहले मैं रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर हमको क्या आवश्यकता पड़ी कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र हो? जी, जैसे आपने प्रश्न पूछा तो ये सदा ही बात होती रहती है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो क्यों आवश्यकता पड़ी है आज के परिस्थिति में। जी, तो हम यदि इसके विभिन्न कारण हैं, मतलब हर एक पहलू पर आगे चर्चा में शायद हो सकता है कि हम प्रकाश उसमें डाल सके। बिल्कुल। लेकिन जो मूलतः बात आती है कि एक संविधान हमारे देश में स्वीकारा गया और उस संविधान का प्रियम्बल जो है या प्रस्तावना जो है उसके अंदर कहा गया कि चार जो मूलभूत बातें हैं कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति है तो उसके अंदर उसको इक्वालिटी मिलेगी, समानता मिलेगी, उसके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, बंधुता होगी और समता होगी। तो ये चार चीजों के बारे में उन्होंने हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये परिस्थिति है आज भारत में? क्या ये वास्तविकता में हो रहा है? जिस संविधान की मैं अन्य किसी बात पर नहीं जाना चाहूंगा, यहीं से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि जो संविधान में लिखा है, क्या संविधान में जो लिखा है वो आज हो रहा है? संविधान में लिखा था कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में गोहत्या हो रही है। संविधान में लिखा था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर जो है वो सेक्युलरवाद की शपथ लेने वाली सरकारें चला रही है, वो कम्युनिस्ट चला रहे हैं, वो ईसाई चला रहे हैं और बाकी जो मजहब है तो उनके अपने चर्च या मदरसा मस्जिदें जो है वो अपने आप खुद चल रहे हैं, वो अपने आप से चला रहे हैं। जो हिंदू धर्म सिखाने की बात आती है तो हिंदू धर्म सिखाने के लिए कहीं पर भी अनुमति नहीं है, लेकिन आप कॉन्वेंट में आप ईसा मसीह को सिखा सकते हैं, आप उसमें बाइबल सिखा सकते हैं, मदरसा में कुरान सिखाया जा रहा है जी। ऐसी एक दो नहीं, कई सारी बातें हैं कि जहां पर ये सारा जो हो रहा है और ये एक हिंदू समाज के ऊपर अन्याय के दृष्टिकोण से यदि हो रहा है तो हिंदू समाज अपने दृष्टिकोण से क्या बात नहीं करना चाहेगा? दूसरी बात यहां पर आती है कि हिंदू समाज जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, इस हिंदू राष्ट्र की बात को कभी कोई समझ करके ही नहीं ले रहा है। तो पहले तो है कि संविधान और डेमोक्रेसी जहां पर हमने देखी तो ये सेक्युलरिज्म के नाम पर जो आज एक भद्दापन हमारे देश में चल रहा है वहां पर हमें यह ध्यान में आता है कि आज वास्तविकता में देश में कहीं पर हिंदू राष्ट्र नहीं है या कहीं पर भी सेक्युलरिज्म भी नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो एक अल्पसंख्यक मानसिकता या जो जिसको हम कह रहे माइनॉरिटी अपीजमेंट के दृष्टिकोण से राज्य चलाना जो है, ये परिस्थिति आज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है।
अब, बिल्कुल रमेश अब, जी रमेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं चेतन जी से भी इसी विषय पर मतलब इसी सवाल पर उनसे भी जवाब ले लेता हूं, फिर हम तीनों मिलकर इस पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हिंदू राष्ट्र की आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी। चेतन जी आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि लगातार आप और आपकी जो संस्था है, आपके जो पूरे देश में जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र की स्थापना की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2012 के बाद से आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, हालांकि 1998 में भी इसकी आवाज उठी थी, लेकिन वो धीरे धीरे वापस कम हो गई, लेकिन अभी लगातार 2012 से वापस यही मुद्दा उठ रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित होना चाहिए। तो आखिर 2012 के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देखिए, इसके दो उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। जो संवैधानिक अन्याय हिंदू समाज पर हो रहा था, विशेष रूप में उस समय कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी 2012 के बाद, तो उस समय ऐसे हुआ था कि सच्चर आयोग का इम्प्लीमेंटेशन मान्य किया गया था, सच्चर आयोग को मान्यता मिल गई थी, और हमारे संविधान में आर्टिकल 27 आता है। आर्टिकल 27 में स्पष्ट रूप में कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो ये बताता है कि भारत के जो नागरिक ने जो कर के रूप में दिया हुआ पैसा है वो किसी भी एक जाति समूह या धर्म समूह के लिए नहीं दिया जा सकता, उसकी विभाजन जो है समसमान होगा। तो आर्टिकल 27 में ये स्पष्ट रूप में कहा था, लेकिन सच्चर आयोग बना, सच्चर आयोग ने जो है सीधे सीधे कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम समुदाय का नाम लिया गया कि वो अविकसित है और उनके लिए ये अलग सी सुविधाएं हो जाए, यानी हमारे यहाँ जो ओबीसी बच्चा है उसको 2 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन यदि आप अल्पसंख्यक हो तो आपको 27 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी बेटियों के लिए जो है साइकिल मिलेगी मुसलमानों के लिए। तो ये एक प्रकार से अन्याय था। मुसलमान मोहल्लों में उनके आरोग्य डॉक्टर आरोग्य कर्मचारी होंगे, उनके पुलिस भी मुसलमान होगी उस एरिया में, तो इस प्रकार से उसके प्रावधान थे और उसको सरकार ने मान्यता दी गई थी। उसी समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत की साधन संपत्ति पर पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। तो एक प्रकार से हिंदू समाज में एक प्रकार से असुरक्षितता का वातावरण हुआ था। आगे जाके 2012 में ही एक घटना और घटी थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में हज अनुदान के विषय में एक बहुत याचिका चली। अल्तमस कबीर उस समय भारत के राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे। उस समय उन्होंने उस समय तो सीधे सागे प्रावधान किए थे कि आर्टिकल 27 का इस प्रकार से हनन होता है हज को अनुदान देने से। तो उन्होंने भारत विदेश में कहीं भी हज के लिए अनुदान इस्लामिक देशों में नहीं दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मलेशिया है, कोई भी इस्लामिक देश जो है वो हज के लिए अनुदान नहीं देता है। उसके बाद इस्लाम धर्म में हज के लिए अनुदान लेकर हज को यात्रा करना ये अमान्य है। तो ये सारी बातें हज के विरोध में थी, संविधान विरोध में था, इस्लाम विरोध में था या विदेश के लोग विरोध में थे। उसके बाद भी अल्तमस कबीर जी ने ये स्टेटमेंट निर्णय दिया कि हाँ ये गलत है, लेकिन हम अचानक नहीं बंद कर सकते, इसलिए आप 10 वर्ष के कालावधि में उसे धीरे 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 कम करते जाइए। तो एक प्रकार से जो संवैधानिक अन्याय था, तो एक संविधान की कहीं ना कहीं गरिमा को रखने की आवश्यकता थी, संविधान का न्याय होने आवश्यक था, लेकिन जो तुष्टिकरण की नीति इतनी बढ़ चुकी थी देश में कांग्रेस की सरकार की, तो भारत के हिंदू समाज में असुरक्षितता उत्पन्न हुई। मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 32 का भी वहां उल्लंघन इसलिए भी हुआ कि वहां उस समय एक कानून आने जा रहा था कि जो कानून सांप्रदायिक हिंसा कानून एक 2011 में उसका प्रस्तावना हुआ था, सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट ने एक प्रस्तावित कानून किया था कि जब दंगे होंगे तो बहुसंख्यकों को ही आरोपी बनाया जाएगा, और ये भी आर्टिकल 32 का उल्लंघन था, क्योंकि आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप में क्या है कि भारत की न्याय संस्था किसी भी जाति या धर्म पर जो है उनको न्याय लेने में समानता का तत्व कार्यवाही में लाएगी, कहीं भी किसी पर पक्षपात हुआ है किसी पर नहीं हुआ ऐसा नहीं रहेगी। इसके बावजूद सांप्रदायिक हिंसा कानून में स्पष्ट रूप में अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण दिया गया था और अल्पसंख्यक आयोग को बहुत सारे बड़े अधिकार दिए गए थे। वास्तव में अल्पसंख्यक आयोग जो आज संवैधानिक जगह लेके बैठा है वो भी आर्टिकल 32 का उल्लंघन करता है भारत के संविधान का। तो उस समय ये सारी चीजें हुआ करती थी कि जो हिंदू समाज के लिए दोहरी राजनीति का परिणाम था, हिंदू समाज कहीं ना कहीं असुरक्षित हो गया था, और तब से फिर एक प्रकार से हिंदू समाज में एक जागृति हुई। भारतवर्ष के लगभग 250 से अधिक हिंदू संगठन एकत्रित आए और 2012 से फिर हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो बुलंद होने लगी। तो उस समय के ये कारण थे। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र की जो आवाज है वो 2012 के बाद से बुलंद होने लगी। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
मैं आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आने वाले कुछ सालों में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है? लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय या दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित कहीं ना कहीं महसूस नहीं करेंगे? जी दीपक जी, ये हिंदू राष्ट्र को जो होना हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, ऐसे जिनके मन में है वो इस प्रकार का भ्रम फैलाकर हिंदू राष्ट्र को विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप विचार करिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2012 से हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो उठने के लिए प्रारंभ हुआ, लेकिन 1998 में ही हिंदू जन जागृति समिति के जो प्रेरणा स्थान है परात्पर गुरु डॉक्टर अठवले जी, इन्होंने ईश्वरी राज्य की स्थापना ये संकल्पना सबके सामने रखी और तब से लेकर हमारा इसके विषय में मिशन शुरू है। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि ये विश्व मंगल की कामना करने वाला राष्ट्र है। आज प्राप्ति के लिए यज्ञ होता है, कौन से पंथ में होता है, कौन से देश में होता है, केवल भारत में विश्व शांति के लिए यज्ञ होता है और वो सनातन धर्म की परंपरा है। तो ऐसे में भय की क्या आवश्यकता है? इस देश में पारसी आए और भी अन्य पंथों के जिन जिन देशों में अत्याचार हुआ, यहूदी आए, पारसी आए, तो सबको हमने यहाँ पे शरण दी। आज टाटा और गोदरेज, इनका इतना बड़ा नाम है तो कोई ये भी नहीं पहचानता कि वो पारसी है। उनको हमने भारत के संस्कृति में समा लिया, एक थाली में बैठकर हमने उनके साथ भोजन किया और आज देश के इतने बड़े पद पर इतने बड़े वो उद्योगपति बन गए, कभी हमने कुछ संकोच किया? तो सनातन धर्म का या हिंदुओं का जो मन है वो व्यापक है, वो बिल्कुल संकुचित नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार का जो डर है वो स्वाभाविक नहीं है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर हम देखें वहां के हिंदुओं पर क्या स्थिति है, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू आज भाग भाग कर भारत में आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जहां पिछले 70 वर्षों तक हमने सभी पंथों को सम्मान के साथ यहां पर रहने के लिए दिया, आज वो हम पर ही हावी होकर हमें ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आज अगर मैं मध्य प्रदेश में देखता हूँ, मध्य प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के लिए जो रैलियां निकली उसमें पथराव हुआ जी। अगर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि वो रामलला की जन्मभूमि है, आप वहां पर राम मंदिर बना सकते हैं, तो आज अगर हम उसका उत्सव मना रहे हैं, उसके लिए जागरण कर रहे हैं और उस पर अगर पथराव हो रहा है तो ये गलत है। बिल्कुल, इस तरह के जो लोग हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी यही बात कह रहे हैं कि लगातार धर्म चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बावजूद इसके कुछ धर्म को टारगेट करके, कुछ धर्म को, धर्म के लोगों को पूरी तरह से लक्ष्य करके उनके ऊपर इस तरह के पथराव किए जाते हैं, उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, वो कतई नहीं जो है ना कानून सम्मत है और ना ही इस देश के हमारी संस्कृति है। रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप इतने वरिष्ठ हैं, लगातार हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हालांकि हिंदू किसी भी तरह का कोई हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी जो हमारे पुराने, चाहे हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, वहां पर कहीं भी हिंदू शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि हिंदू शब्द जो है वो एक भौगोलिक स्थिति है। तो क्या भारत में, यानी कि हिंदुस्तान में जो रहने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, क्या वो हिंदू नहीं है? जी दीपक जी, इससे पहले मैं एक वाक्य जो है वो पहले प्रश्न में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये आनंद जी ने जो बताया तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बताया। हमेशा जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है, वैसे भी ये हिंदुओं की ही एक अच्छा ही बात है कि उनको सबसे पहले ये लगता है कि फिर माइनॉरिटी का क्या होगा, या उनके मन में डर लगेगा। बिल्कुल, मैं आपको भारत का उदाहरण बताना चाहूंगा। 19 जनवरी नजदीक है, 19 जनवरी 1990 को भारत के कश्मीर से, जब भारत में संविधान था, जब भारत में पुलिस थी, भारत में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी, ऐसे परिस्थिति में 4.5 लाख कश्मीर से हिंदुओं को जो बाहर निकाला गया, आज 31 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 31 वर्षों में एक भी हिंदू अपने घर में वापस नहीं जा सका है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए जो जिनके मन में डर है उनको सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहिए कि जहां पर आप मेजॉरिटी है वहां पर माइनॉरिटी की क्या हालत हुई है, उसके बारे में बता दीजिए। बाकी जहां पर हिंदू मेजॉरिटी है, मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, पंजाब का उदाहरण देता हूं, जहां पर आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि नहीं यहां से फिर
माइनॉरिटी हट गई या माइनॉरिटी डर गई यहां पर से, तो ऐसे परिस्थिति ही नहीं है। इसलिए हमें ये वास्तविकता में जानना चाहिए कि एक तरीके से ये एक ढकोसलापन हमारे यहाँ पर खड़ा किया गया है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर माइनॉरिटी डेंजर में आ जाएगी। तो ये पहले तो है कि ये सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में हिंदू जाकर के रह रहा है, काम कर रहा है, पूरा इस्लामिक राष्ट्र है। अब 2018 में इसराइल ने खुद को यहूदी राष्ट्र है, जू राष्ट्र है, नेशन स्टेट है, ये डिक्लेयर करके लिया पार्लियामेंट में। तो क्या वहां पर मुस्लिम नहीं रहते हैं? क्या वहां पर बाकी नहीं रहते हैं? ईसाई नहीं रहते हैं? सब रहते हैं। तो आज की परिस्थिति में ये सोचना, ये मुझे लगता है कि ये कहीं पर से एक प्रचारित किया जाने वाला प्रयास है, ऐसे लगता है। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि हिंदू या हिंदुत्व के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे भारत की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति ये देववाणी रही है, तो उसके अंदर जल कहा जाए, नीर कहा जाए, उदक कहा जाए, पानी कहा जाए, ये सारी चीजों का अर्थ एक ही होता है। वैसे ही सनातन कहो, वैदिक कहो, हिंदू कहो, हमारे यहाँ पर इसके, या आर्य देश कहो, इसके कई सारे नाम है। तो इस कारण से कहीं पर ये लिखा नहीं है या ये जो भी है, तो इस कारण से ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ऐसे नहीं हम कह सकते हैं। हिंदुत्व की बात आती है तो आदरणीय पुरी के शंकराचार्य जी है, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि हिंदू शब्द जो है वो काफी प्राचीन है, हमारे शब्द कल्पद रूप में इसकी व्याख्या की गई है, हिनानी दूषयति इति हिंदू जाति विशेषः। जो अपने अंदर के बुरे जो दोष है, बुरे जो कर्म है, उनको हटाने का काम जो करता है वो हिंदू है, ये इसके बारे में उन्होंने स्पष्टता से कहा है। अब इसके बारे में फिर ये प्रश्न आता है कि फिर बाकी जो है वो हिंदू है या नहीं है। तो हम कहते हैं कि यदि आप हिंदुत्व की सारी बातें मानने के लिए तैयार है तो हिंदू क्यों नहीं आपको स्वीकार करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, आज आप यदि देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा दिन में 5 बार अजान होती है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ जैसे आनंद जी ने बताया, तो वहां पर मुसलमानों ने जाकर के ज्ञापन दे दिया कि राम मंदिर की जो निधि जो संकलन किया जा रहा है उसकी रैली मुस्लिम गली से ना निकले। क्यों? हमारे यहाँ पर घेटो है क्या कहीं पर? तो मुस्लिम मोहल्ला मतलब कोई अलग राष्ट्र हो गया है। तो यहाँ पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है, हर दिन हम 5 बार उनकी अजान सुन रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि स्लीप इज बेसिक फंडामेंटल राइट। उन्होंने ये कहा है कि आपका जैसे फूड शेल्टर और घर जो है ये आपका, या कपड़े जो है, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है, वैसे ही स्लीप नींद आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है। ये सुबह 4:30 बजे चिल्लाना चालू कर देते हैं, क्या उसको नहीं रोकना चाहिए उन्होंने? लेकिन वो मेजोरिटी के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हर बार मेजोरिटी ने ही उनके बारे में सोचना है, हर बार वो ये कहेंगे। जैसा कि रमेश जी आपने कहा कि सुबह 4:30 बजे अजान होती है, 5 बजे अजान होती है, तो 5 बजे मंदिर की घंटियां भी बजती है, तो क्या कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए? जी अवश्य, क्यों नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर किसी के लिए ये समानता से ही लागू होना चाहिए। ये समानता से नहीं लागू हो रहा है, यही से तो सबसे बड़ी दिक्कत है। पटना हाईकोर्ट के जज, पटना हाईकोर्ट के जो एरिया है उसके अंदर मस्जिद है, तो पटना हाईकोर्ट के जज ने ये कहा कि जो अजान बार बार होती है उस कारण से जजमेंट देने में हमें तकलीफ होती है, और ये लाउड स्पीकर लगाने के लिए। मुझे आप बता दो कि जैसे आपने कहा कि हिंदू शब्द कहीं महाभारत में नहीं है या कहीं नहीं है, आप मुझे बता दो कि लाउड स्पीकर कौन से कुरान में कहां पर लिखा है कि अजान जो है लाउड स्पीकर से देनी चाहिए? नहीं, कहीं भी नहीं है। तो यदि ये नहीं है तो फिर आप जो बातें कहीं कानून में या कहीं पर आपके इस्लामिक शरिया में नहीं है, ट्रिपल तलाक कहीं नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं था, भारत में ट्रिपल तलाक था, तो जो बातें गलत है उसको आपने कम भी तो करना चाहिए। हम यहां पर रहेंगे और फिर पाकिस्तान की विजय होगी तो मुस्लिम मोहल्ला में पटाखे फूटेंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि इनको हिंदू मानना चाहिए? ये हिंदू, हिंदुओं के मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन जो बर्ताव वो कर रहे हैं उस कारण से ये शंका तैयार होती है कि क्या उन्हें उनको हमने मानना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भारत माता के जो बेटे हैं तो सभी एक समान है, लेकिन यदि कोई कहेगा नहीं मैं भारत माता का तिरंगा है उसको वंदन नहीं करूंगा, भारत माता का राष्ट्रगान है मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अरे
54 सेकंड का राष्ट्रगीत के लिए आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तब आपको कहना होता है कि नहीं इस्लाम इजाजत नहीं देता है, इस्लाम में लिखा है। तो आप तो इस मातृभूमि से, इस भारत से सबसे ज्यादा तो आप पहले इस्लाम को अहमियत देते हैं। जब आपके लिए पहले आपका मजहब है तो हम कैसे आपको अपना मानेंगे? हम जिस गौ माता को अपना मानते हैं उस गौ माता को आप काट करके खाने पर तुले हुए हैं, कैसे हम आपको अपना मानेंगे? तो ये जो है ये मुद्दा हिंदुओं ने क्लियर करने वाली बात ही नहीं है, ये तो उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं हम यहाँ पर रहते हैं, इस भारत में रहते हैं। क्योंकि बैरिस्टर जीना का एक उदाहरण है कि बैरिस्टर जीना और ये जो एक समय पर विदेश में किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उनको वहां पर ये कहा गया था कि ये भारत जैसे हिंदू देश से आए हैं। तो विदेश में तो ये कहा जाता था कि भारत जो है ये हिंदू भूमि और यहाँ पर से सभी आए हैं। तो आज वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? उन्होंने तो अपना देश बना लिया और देश बनाने के बाद वो सेक्युलर नहीं बना, वो बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने तो सेक्युलर देश नहीं बनाया, आपने तो वहां पर माइनॉरिटी के अधिकार भी नहीं दिए और आप यहां पर बैठ करके भी वही सारी बातें कर रहे हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र स्वीकारने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको अंतिम एक लास्ट बात बताना चाहूंगा। भारत की बात छोड़ दीजिए, आज नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था उसको जब सेक्युलर बनाया गया, पिछले वर्ष नेपाल में मुसलमानों ने मोर्चे निकाले, ये इंटरनेट पर जाकर के कोई भी सर्च कर सकता है। और मुसलमानों ने मांग की कि जब ये नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब हम ज्यादा सुरक्षित थे सेक्युलर देश बनने से पहले, तो ये इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब नेपाल के मुसलमान हिंदू राष्ट्र स्वीकारने के लिए तैयार है नेपाल में, तो भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा मेरा 100% विश्वास है यहाँ का मुसलमान भी यही कहेगा ये हिंदू राष्ट्र है तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म को समानता देते हुए उनको समान रूप से पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। मेरा यहाँ पर आनंद जी आपसे एक सवाल है, जैसा कि रमेश शिंदे जी ने अभी हमें 19 और 20 जनवरी की याद दिलाई कश्मीर की, कि वहां से जो लाखों हिंदू पंडितों को बाहर निकाला गया था, और उसके बाद से किसी भी हिंदू संगठन की बात करूं या किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता की बात करूं जो कि अपने आप को देशभक्ति की बात करते हैं, उन्होंने भी किसी ने आवाज नहीं उठाई और अब जाकर ये एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि 1990 में जो इस तरह की इतनी बड़ी पूरे देश के साथ जो घटना घटित हुई थी, क्या उस समय के जो बड़े नेता थे या उस समय के जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग थे, उन्होंने आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या ये आपकी और हमारी कहीं ना कहीं कमी नजर आई या फिर हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं था कि हम इस बात का विरोध कर सकें? इसमें हिंदू समाज जो सहिष्णु है और हम ये देखते हैं कि इस देश में जब संविधान था, इस देश में कानून का राज्य था, ऐसे समय में भी 4.5 लाख, ये तो आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन वैसे 7.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने वहां से विस्थापन किया, लेकिन इसके विषय में ना पत्रकारों ने, ना उस समय की मीडिया ने या राजतंत्र ने, किसी सांसद ने, किसी ने भी इस विषय में आवाज नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता इससे स्पष्ट होती है। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज के न्याय के लिए, हिंदू समाज के अधिकारों के लिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद उस पर बात करने के लिए, कश्मीर का मतलब उस समय की स्थिति छोड़ दीजिए, आज भी हम क्या देखते हैं, आज यहाँ की जो घटना है आंध्र प्रदेश में, पिछले 19 महीनों में लगभग 120 से अधिक मंदिरों पर, एक तो वहां के मूर्ति भंजन की घटनाएं हुई, वहां पर मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई, वहां का विजापुर जिले में जो प्रभु श्रीराम जी का कोदंडधारी मंदिर था उसका शिरच्छेद करके, उसका मुख काट कर वो नाले में डाल दिया गया। तो आज हम पीछे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है? इतना होने के बाद कौन सी मीडिया ये दिखा रही है, कौन से सांसद इस पर बात कर रहे हैं? तो आज भी लगभग यही स्थिति है, इसलिए तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इस देश में आज हम सबके आराध्य है प्रभु श्रीराम। अगर मनुष्य शरीर में आत्मा का जितना महत्व है, उतना इस भारत में प्रभु श्री रामचंद्र जी का महत्व है। पूरे देश की यह भावना थी कि श्रीराम मंदिर बने, तब भी हमने इतने वर्षों तक न्यायालय में प्रतीक्षा की, निचली कोर्ट से ऊपर के कोर्ट तक हम न्याय मांगते रहे, आज जाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिला है, लेकिन उसके बाद जगह जगह ये पथराव जो हो रहा है,
जगह जगह इस प्रकार के मंदिरों पे ये जो घटनाएं हो रही है, तो राम मंदिर का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध हो रहा है। आज बाबरी पुनः बनाएंगे, जयपुर में बोर्ड लगे, ये क्यों हिम्मत होती है? क्योंकि इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हिंदू हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हिंदुओं की ये मांग उठी, इसका कारण ही यही है कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। आज जनभावना जगने के बाद सभी पार्टियों के लोग ये कहने लगे कि भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी स्तोत्र करते हैं, लेकिन इतने से नहीं होगा। संविधान में इतने बदलाव किए हैं, और एक बदलाव करो, हिंदू राष्ट्र शब्द उसमें आना चाहिए, तब जाकर ये जो परिस्थितियां हैं जी, इसमें बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, मैं चेतन जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि लगातार हम चाहे रमेश जी की बात करें, चाहे हम आनंद जी की अभी जो चर्चा चल रही थी, इन सभी में हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम कहीं भी देश के कोने कोने में जहां जहां भी जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, वो हिंदुओं को लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हिंदू हैं उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, या आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम लोगों का ही धर्म परिवर्तन हो रहा है? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सरकार की बात छोड़िए, सरकार एक अलग तंत्र है, लेकिन क्या एक सामान्य आदमी, या मुझसे कहा जाए धर्म परिवर्तन के लिए, या आपसे कहा जाए, तो क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगे? तो आखिर ऐसा हिंदू लोग ही क्यों कर पा रहे? जी, इसके दो मुख्य कारण मैं बताना चाहूंगा। वास्तव में हर प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक हिंदू धर्मांतरण करते हैं, और इसके पीछे का कारण है उनमें धर्म शिक्षा का अभाव। सनातन धर्म की शिक्षा ही उन्हें नहीं है। धर्म क्या होता है, धर्म की सीख क्या होती है, धर्म का आचरण कैसे करे, धर्म और पंथ में क्या भेद है, ये सारी जो शिक्षा है वो हमें दे ही नहीं जाती। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मदरसा और मस्जिद होते हैं, उनको बचपन से ही कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ चर्च में बाइबल पढ़ाया जाता है, कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी भी पाठशाला में, स्कूल में जो है सनातन धर्म, गीताजी, रामायण, तुलसी रामायण कुछ नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि आर्टिकल 28 ने, संविधान का 28 जो आर्टिकल है, उसमें किसी भी समुदाय को धर्म से संबंधित शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया है। तो कोई भी भारत का शिक्षा संस्थान हमारे यहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, ये आर्टिकल 28 कहता है जी। वहीं जाके आर्टिकल 30 में ये स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के संस्कृति की रक्षा के लिए, और इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपने शिक्षा संस्थान स्वयं चला सकता है और वहाँ अपनी मजहबी पढ़ाई सिखा सकता है। तो यहाँ मदरसे हो सकते हैं और वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाया जा सकता है, वहाँ कॉन्वेंट स्कूल हो सकते हैं और वहाँ बाइबल चर्च ट्रिनिटी के सिद्धांत हो या बाइबल पढ़ाया जा सकता है। तो ये समझना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ धर्म की पढ़ाई तो करता है बचपन से, लेकिन हिंदू समाज जो स्कूल में जाता है उसको गीताजी नहीं पढ़ाई जाती, उसको तुलसी रामायण नहीं पढ़ाया जाता, उसको महाभारत नहीं पढ़ाई जाती, तो धर्म क्या है उसको पता ही नहीं चलता। तो आजकल तो लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ वो बाइबल तो पढ़ लेता है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कारण है कि धर्म की न पढ़ाई होना, बचपन से ही धर्म के संस्कार न मिलना, इसके कारण आगे जाके वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है। बिल्कुल, यानी कि इस प्रकार से बताया, परधर्म भयावह, यानी परधर्म भयावह है, इस प्रकार की हमारे गीता जी की सीख है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, क्योंकि उसके पास धर्म की सीख नहीं है। दूसरी बात यहाँ मैं सरकार व्यवस्था को ये करना चाहूंगा, क्योंकि भारत की सरकार में 1956 में नियोगी आयोग बना था। नियोगी आयोग ने मध्य प्रदेश में ये बनाया था कि आदिवासियों को, जो हमारे यहाँ अज्ञानी है, जिनको कोई धर्म के विषय में जानकारी नहीं है, आज भारत का जितना सारा वनवासी क्षेत्र, फिर वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट राज्य हो, सारे राज्यों में, महाराष्ट्र का भी जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र है, वहां के लोगों का सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। और उसका एकमात्र कारण है कि हमारे यहाँ वहां के लोगों को जो धर्म की शिक्षा देने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी तंत्र के द्वारा, वो ना होने के कारण वहां फिस्टिंग मिशनरियों ने अपना जाल बिछाया है और उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा उनका धर्मांतरण किया है। तो यहाँ सरकार की जिम्मेदारी भी है और हमारे हिंदू समाज की कमी है कि हम वहाँ सेवा कार्य में नहीं पहुंचे। आज बहुत सारे हिंदू संगठन इन क्षेत्रों में जाके कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पहले 50 वर्षों में जो कार्य होना चाहिए था हिंदू समाज के द्वारा, तो वो कहाँ ना कहीं हमारे हमसे भी कमी हुई है। तो उसका एक कारण ये हो सकता है। तो ये दो कारण मुख्यतः है कि हमारे यहाँ धर्म शिक्षा का अभाव है, और दूसरा जो है
हमारी ओर से पहले 50 वर्षों में उस प्रकार के प्रयास नहीं हुए जिस प्रकार से क्रिस्टी मिशनरी ने किए। तो एक प्रकार से जो अज्ञानी समाज था उसका धर्मांतरण हुआ और धर्म शिक्षा के अभाव में दूसरा ये हुआ धर्म परिवर्तन का कारण बने हम लोग। बिल्कुल, मैं चेतन जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि धर्म की कमी के कारण आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है और वो किसी भी धर्म को अपना लेता है और कहीं ना कहीं भौतिकवाद जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। अगर हम तुलना करें धर्म की, तो आपको हमको सभी को अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, अपनी बात को पूरी तरह से रखनी चाहिए और अपने धर्म को पढ़ना चाहिए कि क्योंकि हमारा धर्म तो वो है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो और सभी जीव जो है समान रूप से साथ रहें, किसी में भी भेदभाव ना हो और समस्त धर्मों की जय हो। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है वो इस तरह की बात करे। मैं अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें जो बीजेपी के नेता हैं गोवा में फ्रांसिस डिसूजा, उन्होंने भी कहा कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मैं खुद भी ईसाई हिंदू हूं, उन्होंने ये शब्द कहे। मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था। और जैसा कि हमारा जो गीत है जो इकबाल साहब ने लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा और हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने भी हिंदी को तवज्जो दी है, हिंदू को तवज्जो दी है। और हमारे जो शंकराचार्य हैं वो भी लगातार इस बात का मुद्दा जो है वो उठाते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो रमेश जी आप क्या सोचते हैं कि जब एक ईसाई और एक मुस्लिम उनकी सोच इस तरह की हो सकती है तो आपकी और हमारी क्यों नहीं हो सकती? जी दीपक जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें दो बातें अलग अलग हमें थोड़ी सी लेनी चाहिए जी, क्योंकि जो बात गोवा के जो मंत्री रहे हैं तो उन्होंने जो कही फ्रांसिस डिसोजा, तो उनकी बात कहने का जो अर्थ है वो थोड़ा अलग था। उनका ये था कि भारत ये जो है ये हिंदू भूमि है और ये भौगोलिक विशेषता है इसकी, इस कारण से यहाँ पर जो भी है तो यहाँ पर रहने वाला पहले हिंदू है फिर अपना मजहब का है, क्योंकि जो हमारा संविधान है इसको बार बार कहा जाता है ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारे संविधान का सेक्युलरिज्म का कहीं पर भी अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये सबसे बड़ा मूर्ख हिंदू समाज को बनाने वाला अर्थ है, क्योंकि संविधान का जो अधिकृत अनुवाद है जो हमारे पार्लियामेंट में उपलब्ध है उसमें उसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष। तो यहां पर धर्म और पंथ में अलग अलग ये है, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी भी धर्म का अर्थ अलग बताती है, पंथ का अर्थ अलग बताती है। तो धर्म निरपेक्ष पहले तो है ही नहीं, हिंदू धर्म यह बहुत व्यापक संकल्पना है, वो किसी मजहब में यानी मेरा एक ही प्रोफेट है, मेरा एक ही ग्रंथ है, मैं अन्य किसी का पढ़ूंगा नहीं, मैं अन्य ये बातें हिंदू धर्म में आती नहीं है कहीं पर भी जी। इसलिए उनकी कहने की बात जो है वो अलग है। अब ये इकबाल साहब का जो आपने कहा, तो वो जब भारत में थे तो उन्होंने कहा हिंदी है हम, लेकिन हिंदी है हम ये कहा लेकिन हिंदी तो कभी बने नहीं, क्योंकि हिंदुओं को हिंदी बनाने का उस समय पे हिंदी नेशनलिज्म चल रहा था जो गांधी जी के विचारधारा के ऊपर था कि हम हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान भी हिंदी बन जाएंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान भूमि है, ईसाई भी हिंदी बन जाएंगे और हिंदू भी हिंदी बन जाएंगे। हिंदू तो हिंदी बन गए लेकिन मुसलमान नहीं बने। इसका उदाहरण ये है कि ये गीत लिखने के बाद कुछ वर्षों के बाद पाकिस्तान की मांग बनी और इकबाल भी, स्वयं इकबाल भी पाकिस्तान चले गए। जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी है हम, मुस्लिम है हम और सारा जहां हमारा, यहां कहते थे हिंदुस्तान हमारा, वहां कहने लगे कि सारा जहां हमारा। और ये जो वचन है भारत और पाकिस्तान के जो जम्मू में जो बॉर्डर है वहां पर जाकर के आप सीमा पर देखिए, ये इकबाल का वचन उन्होंने भारत की सीमा की चौकी के सामने लिखा है, पाकिस्तान की चौकी के ऊपर। तो जो इकबाल भारत में बता रहे थे कि हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, वो पाकिस्तान में जाने के बाद बोलने लगे मुस्लिम है हम सारा जहां हमारा, यानी फिर आपका देश जीतने के लिए भी हमारे पास अवसर होना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है इस मानसिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात जो है कि इसके पहले जो एक मुद्दा मुझे लगता है कि ये बात बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन इतनी बड़ी मात्रा में होता है, जैसे आज आप दिल्ली में जाओगे तो पार्लियामेंट में जाने वाली सारी स्ट्रीट्स है उसको अकबर स्ट्रीट, जहांगीर स्ट्रीट, सबसे बड़ा जिसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा
उस औरंगजेब के नाम पर भी रास्ता है हमारे यहाँ पर, आपने कहीं नहीं देखा उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज स्ट्रीट, छत्रपति संभाजी महाराज स्ट्रीट या महाराणा प्रताप स्ट्रीट। तो ये जो मानसिकता है वैसे ही मानसिकता आज हमारे यहाँ पर बनी है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ने जितने अत्याचार किए, औरंगजेब ने जितने अत्याचार जिहाद के नाम पर किए, उससे ज्यादा अत्याचार तो इसने इंक्विजिशन के नाम पर किए। लेकिन फ्रांसिस जेवियर को संत कहा जाता है, हमारे देश के जितने सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सेंट जेवियर्स के नाम से बताया जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। और हमारे देश की जो सार्वजनिक व्यवस्था है, भारत में पंचांग सदियों से है, ये ईसाइयों को साल में 12 महीने होते हैं, ये तो 18वीं शतक में पता चला, 17वीं शतक में पता चला, उससे पहले तो 10 महीनों का साल था उनका। और जिनके पास कालगणना नहीं थी उनकी कालगणना हमने स्वीकार कर ली। आज आप देखिए कि इस 31 दिसंबर की रात को नया वर्ष पूरे भारत में मनाया गया, किसी ने नहीं बताया कि ये हिंदुओं का है ही नहीं, ये भारतवर्ष का है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर हम हिंदू संत की बात कहेंगे तो ये बोगस है, ये सारी बातें। आप मुझे बता दो, उस दिन जो 25 दिसंबर की रात को लोगों के बीच में सांता क्लॉज, ये कहां पर है सांता क्लॉज? आप मुझे बता दीजिए कहां पर, बाइबल में लिखा है कहीं पर है तो आप मुझे बता दीजिए कि ये सांता क्लॉज था, कहां पर हुआ, उसका जन्म कहां पर हुआ, कहां पर मर गया, वो कहीं नहीं है। तो जो बोगस आइडेंटिटीज है उनको लोगों के सामने रखा जाता है, सांता क्लॉज को प्रचारित किया जाता है, ये बताया जाता है कि देखिए 31 दिसंबर की रात को आपका नया वर्ष आएगा। और इस कारण से जो भ्रमित हिंदू है वो पहले उसको हिंदू धर्म नहीं पता है, वो आधा से ज्यादा तो ईसाई बन चुका है। तो ये कोरोना के कारण से आज लोगों को पता हो गया कि शेक हैंड नहीं करना है। इससे पहले हम परेशान हो जाते थे बताते कि शेक हैंड की परंपरा हिंदुओं की नहीं है, हमारे यहाँ पर दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते कहने चाहिए। अब इंग्लैंड की जिस राजगद्दी ने भारत के ऊपर राज किया था वो आज कह रहे हैं कि नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके आपको नमस्ते, प्रिंस चार्ल्स उन्होंने कहा दोनों हाथ जोड़ करके, ये तो हिंदू संस्कृति बता रहे हैं। तो भारत में जिस प्रकार से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू कहीं पर जाकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज आप अमेरिका से लेकर के रशिया तक आप देखेंगे तो हमारे इस्कॉन है या रामकृष्ण मिशन है या जितनी सारी या सनातन संस्था है, यहां पर कोई अपने धर्म का प्रचार करके नहीं बता रहा है। लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि जो हमें जो ईसाइयत बताई जा रही है उसके अंदर कई सारी खोखली बातें हैं और वास्तविक धर्म हिंदू धर्म है, वो स्वयं से उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि यदि ये पूरे विश्व में हो सकता है तो भारत में निश्चितता से हो सकता है, और इसमें किसी को हिंदू राष्ट्र के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश में सांता क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, हमारे जो संत हैं महात्मा हैं उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब जाकर हम एक बार वापस सोने की चिड़िया बनेंगे। मैं अभी क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है मैं उस देश में रहता हूं जिसमें सहिष्णुता और सार्वभौमिकता के साथ साथ सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। क्या चेतन जी आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित होता है तो सभी धर्म यहाँ पर उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, जैसा कि हमारे संतों ने सोचा है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि सनातन धर्म की जो सीख है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस प्रकार की भावना हम रखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पूर्णवंतम विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को सुसंस्कृत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। तो ये जो भाव रखने वाला, विश्व कल्याणकारी जो विचार रखने वाला समाज है, जो हमारे साधु संतों की सीख है कि धर्म की जो हो अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व की कल्याण की भावना जो हम में समाई हुई है, तो इसके कारण हमारे यहाँ कोई भी समुदाय जो है वो असुरक्षित रह ही नहीं सकता, उसका जो है कल्याण ही होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राष्ट्रपुरुष हुए थे। बिल्कुल, और उनका हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उनका जो हिंदी स्वराज्य था वो हिंदू राष्ट्र था। उन्होंने उस समय के 5 इस्लामिक स्टेट को परास्त करके वहां का राज्य स्थापित किया था। तो जब वो 5 इस्लामिक स्टेट को उन्होंने परास्त किया तो उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये अपने राज्य कारभार से स्पष्ट किया कि
पूरे उनके 50 वर्षों का जो उनके बाद उनका और उनके बाद के जो उनके एंसेस्टर रहे उन सभी का 100 साल का जो इतिहास था उसमें स्पष्ट रूप में ये होता है कि कहीं भी सभी किसी धर्म की जो है उत्पीड़न नहीं हुई है। सभी जाति पंथों का कल्याण हो सकता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने यहाँ दिखा दिया। और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में बहिष्कार जैसा शब्द ही नहीं है, संस्कृत शब्द में बहिष्कार शब्द नहीं है, प्राणी मात्र की उन्नति यह शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ अभ्युदय की भावना है, हमारे यहाँ कई बहिष्कार का शब्द ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो भी है तो यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था जी जो हो समाज के लिए हित ही बनती, बहिष्कार वाली किसी को असुरक्षा उत्पन्न करने वाली ऐसी नहीं होती है, ये कल्याण वाली भावना जो है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वे सुखिनो भवतु सत्वे सर्वे संखु निरामया इस प्रकार का जो श्लोक हमारे यहाँ शांति पाठ में बोला जाता है, विश्व के सभी लोग सुखी हो, उनका आरोग्य सदा अच्छा रहे, इस प्रकार की जो भावना है वो हमारे यहाँ ही होने के कारण हमारे यहाँ कोई भी समाज में राष्ट्र में जो भावनाएं उत्पन्न होगी वो अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा की ही होगी। और मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू भारत जहाँ था, जब भी थोड़ी देर पहले आनंद जी ने भी यही बात को कहा था कि हमारे यहाँ पारसी आए, यहूदी आए, उनको हमने हमारे यहाँ जाति ने हिंदू जाति ने उनको सर्वसमावेशक जाति ने उनको समा लिया हमारे यहाँ। आज हम जान भी नहीं सकते कि यहाँ से यहूदी कौन है, पारसी कौन है। तो ये जो भावना है, गर्व से कहूँ हिंदू वाली जो भावना है, वो कहीं ना कहीं हम सबके खून में है, धमनियों में है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले इकबाल की बात हो रही थी, इकबाल ने राधा हमारे यहाँ लाला हृदयलाल लाहौर में बहुत बड़े हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने भी सर्वधर्म समभाव का ही प्रयोग किया था। देखिए हिंदू महासभा यह शब्द आपको लगेगा कि ये एक कट्टरपंथी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 1905 में जब ये काम चल रहा था तो लाला हृदयलाल उस समय हिंदू महासभा में नहीं थे, लेकिन एक बड़े हिंदूवादी नेता थे जी। उनके कार्यक्रम में उन्होंने उस समय के सुप्रसिद्ध शायर यानी मोहम्मद इकबाल को बुलाया था, और मोहम्मद इकबाल ने उस समय ये गाना गाया है कि हम हिंदी है और सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, ये उनकी भावना उस समय थी जी। और ये तराने हिंद इस में उनका ये उसका तराने हिंद के नाम से जाना जाता है जी जी जी। तो ये भावना 1905 में हमारे व्यासपीठ पर यानी हिंदू समाज जहां मुस्लिम समुदाय का आमंत्रित कर रहा है वहां ये बात हो रही है, और वही 1930 में मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया अधिवेशन में यही मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की घोषणा करते हैं। उनको आधुनिक पाकिस्तान का जनक कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है, भ्रष्टा कहा जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि 1930 में जीना मुस्लिम लीग के ये नहीं थे, उन्होंने ही स्वयं मोहम्मद इकबाल ने जीना को वहां से आमंत्रित किया है और मुस्लिम लीग का जो है उन्हें नेतृत्व दिया है। यही मुस्लिम लीग के नेता 1932 में लिखते हैं, मैं उसका उदाहरण देता हूं, उसको तराने मिल्ली कहा जाता है, और उसमें वो लिखते हैं कि मुस्लिम है वतन सारा जहां हमारा, मुस्लिम है वतन सारा जहां हमारा, चीनों अरब हमारा, हमारा ही हिंदुस्तान हमारा। तो चीन अरब हिंदुस्तान ये सब हमारा है, सारा जहां हमारा है, हम मुस्लिम वतन है। ये तराना है मिल्ली जो आगे जाके उन्होंने अपना गीत बदला वो इसका उदाहरण है। तो देखिए हिंदू समाज जो है वो कभी विभाजन नहीं करता है, वो सबको साथ में लेके चलने की भावना रखता है। आज भी हमारे जो हिंदू राष्ट्रवादी नेतृत्व प्रधानमंत्री है वो भी सबका साथ सबका विकास इस प्रकार की भाषा करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ भावना कभी भी किसको छोड़कर त्यागने की नहीं है। तो लाला हृदयलाल में जो भावना थी वही आज के राजनेताओं में है, लेकिन जो उनके साथ आने वाले लोग थे वो उस समय के लिए विश्वास पात्र नहीं बने, और मोहम्मद इकबाल उसका उदाहरण है। तो हम तो आज भी कहते हैं हम गर्व से कहो हिंदू है, हमारे हमारी संस्कृति सर्वसमावेशक है, लेकिन जो समुदाय आज भी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं, वो आज भी दंगा भड़काना चाहता है, तो हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। और वो लोग आज भी कहते हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो ये जो भावनाएं होती है ना, तो ये भावनाएं जो है ये महत्वपूर्ण होती है, ये आपको अपने जो है एक प्रकार से दूरी बढ़ाती है। यदि हमें हिंदू समाज का रक्षण, हमें भारतवर्ष का जो है उद्योदय साधना है, तो हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, और यही हिंदू वर्ष की या विश्व की जो कल्याण भावना जो है वो हिंदू समाज में है। हमें केवल दुरुस्त करना है कि हमें हिंदू राष्ट्र के द्वारा समान नीति कार्यक्रम लाना होगा, और तुष्टीकरण की नीति जो है त्याग कर दबंगइया को रोक कर हमें जो है विश्व कल्याणकारी राष्ट्र की संस्थापना करनी होगी, और यही हिंदू राष्ट्र का विचार है। वास्तव में हिंदू राष्ट्र यानी कुछ अलग नहीं है, ये हिंदुओं के हित का राज्य नहीं है, ये सभी विश्व के कल्याणकारी विचारों का राष्ट्र है, और ये सभी जाति पंथों का अभ्युदय करने वाला राष्ट्र है, ये मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल, हमको पूरे विश्व का कल्याण करने की नीति पर काम करते रहना है, क्योंकि हमारी संस्कृति भी यही है। मैं यहाँ पर आनंद जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप
राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ पूरे देश में आप भ्रमण करते रहते हैं, युवाओं से आपका संपर्क रहता है, आप उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनकी विचारधारा आप समझते रहते हैं। मुझे एक बात आपसे ये समझनी है कि अगर मैंने कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी मैंने लिखा है कि गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो इसमें सबसे पहले हिंदू ही अपनी उंगली क्यों उठाता है? किस बात का उसको भय है? क्या कारण है कि सबसे पहले किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति इस पर उंगली उठाए ना उठाए, लेकिन हमारे साथ के ही लोग इस पर उंगली उठाने लगते हैं कि अरे आपने ये क्या बात लिख दी, आप इतने कट्टर कब से हो गए? तो आखिर ऐसी सोच क्यों? बिल्कुल दीपक जी, आपने बहुत ही अहम सवाल ये उठाया है। इसकी अगर हम जड़ तक जाए तो हिंदुओं में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? आज देश की स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर हिंदुओं को जो उनके धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं जी। मैकॉले की जो शिक्षा प्रणाली यहाँ पे अंग्रेजों ने चलाई वो स्वतंत्रता के बाद भी आज भी वैसे ही शुरू है। और मैकॉले ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने ये आकलन किया कि हिंदू अपने संस्कृति से, अपने धर्म से इतने जुड़े हुए हैं कि इनके संस्कृति को हम तोड़ नहीं सकते, तो ये अध्ययन जब जाके उसने बताया, उसके बाद ये शिक्षा प्रणाली लाई गई। और इस शिक्षा प्रणाली का हेतु ही ये था कि हिंदू अपने संस्कृति की ओर हल्के दबके से देखे, अपने संस्कृति को ही नीचे देखे, वो उसके मन में अपने संस्कृति के प्रति ही जो अलग भाव है, वो कमपन का जो भाव है वो उत्पन्न हो। तो स्वाभाविक आज हम ये देख रहे हैं कि आज अंग्रेज तो इस देश से चले गए, अपनी सेना वो लेकर गए, लेकिन चौथी सेना जो उन्होंने रखी थी मिशनरी की और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, उन्होंने हिंदुओं के मन मस्तिष्क को जो बदलने का प्रयास किया, आज हिंदुओं की मानसिकता के रूप में वो उभरा है। उसके बाद गांधी जी ने जो ये चलाया, मिल गई हमें आजादी ना खड़ग ना ढाल, तो एक तरह से भाईचारा या बंधुभाव का एक जो वातावरण गांधी जी ने हिंदुओं को अंधेरे में रखकर बनाने का प्रयास किया, उसके कारण भी हिंदू जो है आधे भ्रम में चले गए। तो आज हिंदुओं को ये पता नहीं है कि सनातन धर्म की वैज्ञानिकता क्या है। आज पूरा विश्व सनातन हिंदू धर्म स्वीकारने के लिए बेताब है, लेकिन भारत का ही हिंदू है जो सेक्युलर बना बैठा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सेक्युलर जो देश के संविधान में सेक्युलर शब्द डाला गया है उसको निकाला जाए, वहां हिंदू राष्ट्र डाला जाए, ताकि हम पूरे भारत को सनातन धर्म की जो महानता है वो धर्म शिक्षा के द्वारा दे सके। जब हम युवाओं को अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, उसके वैज्ञानिकता के बारे में बताएंगे तो अवश्य वो स्वीकार करेंगे। आज जब हम जगह जगह जाकर इस प्रकार का उद्बोधन युवाओं से चर्चा करते हैं, युवा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज तक ये बातें हमें किसी ने बताई नहीं। हम फोन उठाते तो हेलो बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं, हेलो कहाँ से आया ये पता नहीं। आज जन्मदिन जो मनाए जाते हैं अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, लोग केक काट रहे हैं, मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। जहां भारत दीप जलाने के लिए सिखाता है वहां आज मोमबत्तियां बुझाई जा रही है। तो जब हम धर्म शिक्षा का प्रचार आज समाज में कर रहे हैं तब हमें ये ध्यान में आता है कि युवा ये कहते कि किसी ने बताया नहीं। तो यही हमें ध्यान में आता है कि अब व्यापक स्तर पर ये धर्म शिक्षा जब जाएगी तब ये जो सेक्युलर बने हुए हिंदू है वो सब कह देंगे कि हम भी हिंदू ही। बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि आप लगातार, मैं आपके पास आ रहा हूँ रमेश जी, बिल्कुल मेरा सवाल भी आपसे है, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन पहले मेरा एक सवाल जो है वो आपसे ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय गणतांत्रिक देश रहा, उसके बाद 1976 में इस देश में पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया गया और इसमें संविधान के साथ में धर्म निरपेक्षता भी संशोधन करके जोड़ दिया गया, और अब हम या आप जो है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से कानूनन क्या परिवर्तन हो सकता है, किस तरह हम इसको किस नजरिए से देखते हैं, और कब तक आप ये उम्मीद करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है? जी, आपके दो चार सवाल है, लेकिन आनंद जी ने जो बताया तो उसमें एक मुद्दा मुझे जोड़ना ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा, तो सबसे पहले ये हिंदू जो है वो क्यों उंगली उठाता है, इसके लिए मैं कहूंगा कि एक सबसे अच्छा उदाहरण यदि हमें देखना है इसके बारे में, वो हमें है कि हमारे देश का जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इस बात का नारा दिया जाता है, स्टूडेंट्स के बीच में ये वहां पर बातें होती है। आपने जिनका उल्लेख किया
जो आपने गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का है जी। वो उस स्वामी विवेकानंद जी की बात को अमेरिका की धर्म संसद ने मान लिया, लेकिन हमारे देश के वामपंथी उनका पुतला जो है उसका विमोचन जेएनयू में नहीं होने के लिए दे रहे हैं। वहां पर हमारे देश की मीडिया में ये एक बात उठाई जाती है, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, आज तक किसी ने नहीं कहा। जब कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, इस्लाम का कोई संबंध नहीं है, ये तो एक व्यक्ति कोई भी टेररिज्म हो सकता है। तो जब तक आज कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है, उस धर्म को आप आतंकवादी बना देंगे, तो ये प्रचार के कारण ये बरखा दत्त और जो राजदीप सरदेसाई या जितने वामपंथी लोग हैं, इनकी एक प्रचार का परिणाम है कि आज हिंदुत्व की बात करना या आपने तिलक लगा दिया तो ये तुरंत से आ जाता है कि अरे ये आप कट्टरपंथी हो गए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा करके, अपनी बीवी छोटी बेटी को बुरखा पहना करके, 5 बार नमाज के लिए जाकर के, वो कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन हिंदू जो है उसने अपने माथे पर तिलक लगाया और सिर्फ जय श्री राम लिखा तो वो कट्टरपंथी हो जाता है। ये कौन सी मानसिकता है, ये बड़ा अचंभे का मतलब आश्चर्य करने वाला प्रश्न है। बिल्कुल, इस तरह की जो जी अब जो आपने अभी जो आपने प्रश्न पूछा जी, तो सबसे पहले मैं ये दो पहलू इसके बताना आवश्यक है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि भारत के संविधान में ही आर्टिकल 368 में लिखा है कि भारत के संविधान में बदलाव हो सकता है और जो सरकार मेजॉरिटी में है वो उस काल के अनुरूप जो चीजें उसमें आवश्यक है वो बदलाव कर सकती है और काल के अनुसार जी। अब तक इसके अंदर 124 चेंजेस हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इतनी सारी यदि बदलाव हो चुके हैं तो मेरा कहना यह है, जो भारत सेक्युलर नहीं था, भारत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान भारत में लागू किया 1949 में लिख करके हो गया, 1951 में भारत में लागू हुआ, उस संविधान में सेक्युलर शब्द था ही नहीं। और जो सेक्युलरिज्म की डिबेट के बारे में बात कहते हैं तो उसके अंदर प्रोफेसर मेहता जिन्होंने बार बार सेक्युलर वर्ड उसके अंदर लाने के लिए आग्रह किया था, उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय के उपाध्यक्ष जो थे डॉक्टर मुखर्जी जी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी संविधान सभा की बैठक हो गई और उसके अंदर उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म का परिणाम जो आज विदेश में देख रहा है तो यह देख रहा है कि उसका अर्थ नास्तिकतावाद हो रहा है। इसलिए भारत जो है वो आस्था रखने वालों का देश है, यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग है वो आस्था रखने वाले हैं, इसलिए हम भारत को सेक्युलर नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रोफेसर केटी शाह का जो विवेचन था कि भारत को सेक्युलर बना दो, तो उन्होंने कहा यदि भारत को सेक्युलर बना देंगे तो माइनॉरिटी के लिए जितने क्लॉजेस डाले हैं हम उन सबको निकाल देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इन सब क्लॉजेस को रखो, और भारत में सेक्युलर शब्द नहीं आने के कारण जो आज चेतन जी ने जो आर्टिकल बताए कि आर्टिकल 28 है, 29 है, 30 है, इन सबको रखा गया कि माइनॉरिटी को स्पेशल एक्ट दे दी गई यहां पर, और यहां पर सेक्युलर शब्द को नहीं रखा गया। जो बात जवाहरलाल नेहरू ने नहीं स्वीकारी, जो बात मुखर्जी ने नहीं स्वीकारी, जो बात बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं स्वीकारी, उस बात को 1976 में भारत में इंदिरा गांधी ने स्वीकारा और भारत की संविधान में बदलाव किया, प्रियम्बल में बदलाव किया, प्रस्तावना में बदलाव किया और प्रस्तावना में बदलाव करके उसको सेक्युलर है ये घोषित किया। सेक्युलर लिखा कोई बात नहीं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? आज भी भारत के सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है ये कहीं पर भी लिखा नहीं गया। इसलिए जो है कोई उसको सर्वधर्म संभाव कहता है, कोई उसको धर्म निरपेक्षता कहता है, कोई उसको कहता है कि इक्वालिटी सभी के लिए समानता है, ये या धर्म निरपेक्ष या ये है ही नहीं, निधर्मी है, तो उसका अर्थ क्या है किसी को भी नहीं पता है। भारत के जितने सांसद शपथ लेते हैं उसमें से किसी को भी नहीं पता है कि उसका अर्थ क्या है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल और बाद में यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो भारत में सबसे बड़ी चर्चित जो भारत की जजमेंट हुई है, उस 1973 के जजमेंट में भारत के सबसे बड़े संविधान बेंच ने ये कहा कि भारत के संविधान में सरकार बदलाव करना चाहती है कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचा जो है वहां पर बदलाव नहीं हो सकता है।
1973 का जजमेंट है और 1976 में भारत के प्रियम्बल को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या असंवैधानिक नहीं है? तो असंवैधानिक बात यदि आप कर रहे हैं तो उसको बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आपने भारत में असंवैधानिक बदलाव किया है, दूसरी बात यह है कि आपने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी। भारत में जब यह बदलाव हुआ उस समय पे विपक्ष था ही नहीं कहीं पर, विपक्ष को आपने जेल में बंद कर दिया था। तो जब विपक्ष जेल में है तब आपने जाकर के भारत के संविधान में बदलाव किया। तो सबसे बड़ी बात तो ये दो होती है कि भारत के संविधान में बदलाव आप प्रियम्बल में नहीं कर सकते हैं या संविधानिक ढांचे में नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दूसरा है कि उस समय पे हमारी पार्लियामेंट भी नहीं थी, आपने विपक्ष को इमरजेंसी लागू करके जेल में बंद कर दिया था, उस समय पे ये जो बदलाव हुआ ये असंवैधानिक है। इसलिए यदि बाकी जितनी सारी बातें बदलाव हो सकती है तो भारत में और एक बदलाव क्यों नहीं हो सकता है हिंदू राष्ट्र का? बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात सही है और लगातार, क्योंकि समय सीमा का भी हमें पूरा ख्याल रखना है और क्योंकि आगे भी हमारे सेशन जो है वो और चलने हैं, तो चलते चलते मैं अंतिम 10-10 सेकंड्स के आपके फाइनल व्यूज लेना चाहूंगा। सबसे पहले चेतन जी आपके फाइनल व्यूज लेना चाहूंगा कि आप 10 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे हमारे ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को। ज्ञान महोत्सव जो है वो समाज में आध्यात्मिकता, शांति और समाज में बंधुता का प्रचार करने वाला एक बड़ा व्यासपीठ है, जिसमें थॉट लेवल पर धार्मिक चर्चाएं होती है। और ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि आज की हमने जो चर्चा देखी, तो ये जो थॉट प्रोसेस ज्ञानम चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र के विषय में जहाँ यही व्यासपीठ से चर्चा हुई है, तो हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए भारत का नागरिक अपना जीवन का अमूल्य समय इस कार्य के लिए दे, क्योंकि ज्ञानम ने इस विषय पर ज्ञान रखा है कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है और हिंदू राष्ट्र से सभी समुदाय का अभ्युदय कैसे होगा। तो मैं भारत का सभी जो वर्ग है, सभी जाति पंथों का, वो हिंदू राष्ट्र की कार्य में अपना योगदान दे, इस प्रकार का आह्वान ज्ञानम के व्यासपीठ से करना चाहूंगा। जी जी आनंद जी, आपके अंतिम व्यूज क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज्ञानम का जो ये महोत्सव है, पहले तो प्रत्यक्ष रूप में ये हुआ, आज इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से ये हो रहा है। ज्ञानम मुझे लगता है कि एक वैचारिक प्रक्रिया है, एक मंथन की प्रक्रिया है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उससे अमृत बाहर निकला, तो आज के समय में पूरा देश जहां द्वंद्व की स्थिति में है, तब इस प्रकार के मंथन होना आवश्यक है जिससे देश को एक दिशा मिले। और मुझे लगता है कि भारत की आत्मा जो है, जो प्रभु श्रीराम को चाहती थी, वो आज राम राज्य को भी चाहती है। और इसी मुद्दे पर आपने इस प्रकार की चर्चा लेकर समाज में एक दिशा और एक सोच देने का प्रयास किया है जो आज के काल में बहुत आवश्यक था। जी रमेश जी, चलते चलते 10 सेकंड आपके अंतिम, हमारे जो दर्शक इस समय आपको ज्ञानम के माध्यम से देख रहे हैं। जी दीपक जी, देखिए ज्ञानम के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो मतलब वाद और विवाद से ही मुद्दे सामने आते हैं, चर्चा होती है, और उसी से ही ज्ञान की प्राप्ति भी होते हैं। तो वादे वादे जायते तत्व बोधा, यह हमारा वचन है। तो यहाँ पर ज्ञानम एक इस प्रकार की चर्चा करके एक ज्ञान भी लोगों के बीच में देने का प्रयास कर रहा है। मुझे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि ऐसी चर्चाएं होगी तो किसी हिंदू को ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, या हिंदू राष्ट्र आने से किसी को समस्या हो सकती है, ऐसे जरा भी कोई शक की बात या संशय किसी के मन में नहीं होगा। ज्ञानम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा है, सभी ने इसका भी सहयोग करना चाहिए। और साथ में जो सदा से ही हमने यहाँ पर देखा है कि परिवर्तन जो है, बड़े बड़े राजा आए, राजे राज्य किया उन्होंने, हमारे यहाँ पर मुगल आक्रांत आए, ब्रिटिश आए, किसी का भी सत्ता कायम नहीं रही। वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो सबसे बड़ी अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे थे, उसके यहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने किस प्रकार से पार्लियामेंट में प्रवेश किया। बिल्कुल। तो आज यदि हम देखते हैं कि देखिए लोगों की मन की भावना जब उसकी पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं होती है, तब वहां पर कहीं तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि असंतोष निर्माण होता है। और ये असंतोष जो है, आज आप देखेंगे तो हजारों वर्ष का हिंदुओं का इतिहास रहा है, वहां पर कहीं भी इसी प्रकार की बात नहीं हुई है। तो पिछले 70 वर्ष की डेमोक्रेसी की परिस्थिति में आज हमने देखा है कि किस हालत में आज अमेरिका जाकर के पहुंची है और आज भारत आकर के पहुंचा है।
तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र जो है ये सबसे बड़ा आशा का केंद्र होना चाहिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है जी। हिंदू धर्म जो है वो वैल्यू बेस्ड है, तो निश्चितता से हिंदू धर्म जो है वो संस्कार संस्कृति और इनसे सब बातों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरे देश में किसी को भी आपत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। रमेश जी आपने हमारे इस ज्ञान महोत्सव में भाग लिया, चेतन राजन जी आप और आनंद जखोड़े जी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह हमारे ज्ञानम महोत्सव से जुड़े रहेंगे हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सभी का और हमारे सभी दर्शकों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform to sharing your thoughts.